एक मजबूत घर एक मजबूत खानदान से ही संवरता है। जिसके घर में दीन से बेजारी, इस्लाम से अदम वाकिफियत हो, वह घर घरेलू मसाइल व तनाजियात का शिकार हो जाता है। ऐसे में एक घर की हालत इंतहाई अबतर हो जाती है और घर के अफराद जहनी अमराज का शिकार हो जाते हैं, जिसकी असल जड़ सिर्फ और सिर्फ खानदानी बिगाड़ है। इन ख्यालात का इजहार जिले नाजिमा शोबे खवातीन फहीम सुल्ताना ने दफ्तर जमात इस्लामी भैंसा पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी हिंद शोबे खवातीन की जानिब से मुल्कगीर सतह पर एक मुहिम बउनवान मजबूत खानदान मजबूत समाज 19-28 फरवरी 10 रोजा मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी के तहत भैंसा शहर में शोबे खवातीन जमात इस्लामी के जानिब से मुहिम का आगाज कर दिया गया है। 10 रोजा इस मुहिम के पोस्टर्स की रस्म इजरा डॉक्टर वर्षा श्री दत्तासाई हॉस्पिटल के हाथों की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि जिले निर्मल में शोबे खवातीन की जानिब से 10 रोजा मुहिम में मुख्तलिफ सरगर्मियों को खतियत दी गई है। निर्मल, खानापुर, भैंसा और मुधोल में मुहिम से मुतालिक सरगर्मियों को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें मोहल्ला व कार्नर मीटिंग्स, घरेलू मसाइल को हल करने की कोशिश, समाज के ज्यादातर खवातीन से मुलाकात, इज्तमात वगैरह शामिल है। जबकि भैंसा मुकामी नाजिम शोबा खवातीन नजमा बेगम ने कहा कि लॉकडाउन के बाद से समाज के अंदर बेशुमार घरेलू मसाइल और तनाजे मंजर आम पर आए हैं, जिससे कई खानदान तनाव का शिकार है। भैंसा से मोहम्मद मुजम्मिल की रिपोर्ट। 19-28 फरवरी चलाई जा रही है, जिसमें जो जिले सतह पर जिसमें हमारे निर्मल, भैंसा, खानापुर, मधोल इस मुहिम के जरिए से हर मुकामी जमातें कोशिश करेगी कि मुस्लिम माशरे में कुरान शरीफ की तालीमात। इंडिया समय पर मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए आप लॉग इन कीजिए हमारे वेबसाइट www.indiasamay.com। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @IndiaSamay17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया समय को।